All right, दोस्तों और एक एक्साइटिंग वीडियो लेके आ गया हूँ जहाँ पे आपके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। ये बेसिकली एक वीडियो है जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे अच्छे फोन्स कौन से हैं। 40,000 अगर आपके पास बजट होगा तो आपने कौन से स्मार्टफोन्स लेने चाहिए। हम ये पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 100 प्राइस, लेकिन एक बात कहूँ, ये जो वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। अब हमने और भी ज्यादा कुछ ऐड कर दिया है, हम ऑब्जेक्टिवली रेट करने वाले हैं, पॉइंट्स देने वाले हैं और फिर बाद में वो पॉइंट्स साथ में आगे 50 में से स्कोर करेंगे और फिर बताएंगे आपको सबसे पहला कौन सा है और सबसे लास्ट कौन सा है। बट दोस्तों याद रखिए, रैंकिंग जो होती है ना वो हमारे हिसाब से होती है, ओवरऑल हम देखते हैं। बट आपके लिए अगर कैमरा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अगर गेमिंग इंपॉर्टेंट है, तो वो रैंकिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। इसीलिए क्राइटेरिया जब हम डिसाइड करते हैं, तो गेमिंग में कौन सा अच्छा है, कैमरा में कौन सा अच्छा है, सॉफ्टवेयर में कौन सा अच्छा है, फ्लैगशिप फीचर्स किस में है, बैटरी किसकी अच्छी है, ये अलग अलग हमने रेटिंग दी हुई है और उस हिसाब से टोटल जो मार्क्स है वो दिए हुए। जैसे बेसिक बेंचमार्क जो होता है 1 मिलियन कम से कम अंतुदु स्कोर चाहिए। 40,000 का फोन है तो 1 मिलियन के ऊपर अंतुदु स्कोर चाहिए, ऑब्वियसली 120Hz AMOLED स्क्रीन होनी चाहिए, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स या फिर 3 या 4 साल के अपडेट्स कम से कम होने चाहिए, 8GB RAM 128GB स्टोरेज, ये जो बेस है वो तो है। बट मजा आने वाला है दोस्तों। वैसे अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये सब जो भी करते हैं ना, नई-नई चीजें हम कोशिश करते हैं, इट इज ऑल फॉर यू दोस्तों। बहुत लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोस, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अच्छा लगता है लाइक नहीं करते हैं, उतना ही मांगते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए 5वें नंबर का कौन सा है फोन, नथिंग फोन 2। इसका हाईलाइट ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है, ये ग्लिफ लाइटिंग वगैरह, बट अगर मुझे रेटिंग देनी है, डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो उसमें 8 की रेटिंग आती है 10 में से। अगर मैं SoC के बारे में बात करूं तो 8 की रेटिंग देता हूं, 8 out of 10। UI में एक्चुअली इसे 9 मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये एंड्रॉइड 16 तक ही जाता है, अभी दूसरे फोन जो है वो एंड्रॉइड 17 तक भी अपडेट देते हैं, उसकी वजह से 8 है, वरना इसे 9 है, इवन 10 मिल जाता था, बट इधर UI में भी 8 मिलता है। बैटरी के मामले में चार्जर नहीं है, उसकी वजह से मार्क थोड़े कट होते हैं, 7 मिलते हैं उसे। वायरलेस चार्जिंग है, ये बात अच्छी है, इसीलिए 7, वरना और भी कम हो जाते थे। कैमरा में मैं कहूंगा 7 ही है, क्योंकि देयर आर अदर फोन जिनको 10 out of 10 भी मिले हुए। इन 5 फोन्स में से सबसे जिसका अच्छा है उसे 10 मिलेगा, जिसका सबसे खराब है उसे उतना कम स्कोर मिलेगा। तो देयर आर फोन्स जिनको 10 मिले हुए, ऐसे नथिंग फोन 2 को ग्लिफ लाइटिंग की वजह से एक एक्स्ट्रा मार्क हमने दिया हुआ है। प्राइस 12 256GB वेरिएंट के लिए 36,999 है एंड 12 512 के लिए 38,999 है। डेबिट क्रेडिट पे 2000 का ऑफ मिलता है आपको, लेकिन ओवरऑल स्कोर अगर 50 में से मैं बात करूं तो 39 out of 50 मिलता है। ऑलराइट, चौथे नंबर पे जो फोन आता है ना उसे भी 39 out of 50 मिलता है, लेकिन अलग अलग चीजों के लिए। यस, ये है गैलेक्सी S23 FE। डिस्प्ले में इसे 7 मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 5 वगैरह, 1450 nits ब्राइटनेस है, थोड़ा कम ब्राइटनेस है, 6.4 इंच की थोड़ी छोटी स्क्रीन है उसकी वजह से 7 है, लेकिन UI में इसे 9 मिलता है। क्यों? क्योंकि One UI 6.1 आता है, 4 साल के मेजर अपडेट्स हैं और इसीलिए 9 दिया हुआ है। अगर मैं परफॉर्मेंस के लिए Exynos 2200 के बारे में बात करूं, एंड वी ऑल्सो लुक एट स्टोरेज टाइप एंड रैम टाइप, तो इसमें LPDDR5 रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, Exynos 2200 है, इस कॉम्बिनेशन के लिए 8 हमने दिया हुआ है। बैटरी में छोटी बैटरी है, 4500 mAh की बैटरी है, 25W चार्जिंग है, तो चार्जिंग भी ज्यादा फास्ट नहीं है, 15W वायरलेस चार्जिंग है, लेकिन चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है, इसीलिए इसे 6 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 10। कैमरा के मामले में दिस इज रियली गुड, ऑब्वियसली S23 FE है दोस्तों, सैमसंग का फोन है, तो उधर इसे डेफिनेटली 9 मिलने वाला है। देयर इज अ फोन व्हिच आल्सो गेट्स 10, बट ये सेकंड नंबर पे आता है जो कैमरा के मामले में। 50 MP का OIS है, +12+8 10 MP का सेल्फी है, अच्छे फोटोज और वीडियोज निकालता है, इसीलिए 9 मिलता है। मल्टीमीडिया के मामले में स्टीरियो स्पीकर्स है, HDR10 का सपोर्ट है, एंड इसमें एक्स्ट्राज भी है, IP68 सर्टिफिकेशन है, eSIM का सपोर्ट भी आता है, जो दूसरे फोन में नहीं है, सो दोज आर बिग हाईलाइट। इवन विद एवरीथिंग एल्स इसका स्कोर जो है 39 out of 50 मिलता है। याद रखिए इसकी प्राइस 8120 के लिए 42490 है, लेकिन 2000 क्रेडिट डेबिट पे ऑफ मिलता है, उसकी वजह से 40,000 के करीब आ जाता है, एंड दैट्स द रीजन प्राइस का भी हमने फैक्टर इंक्लूड किया हुआ है, और उसकी वजह से इसका स्कोर जो है दैट इज 39 out of 50। तो अगर सेम मार्क्स भी रहेंगे फिर भी जो S23 FE है वो बहुत सारे फ्लैगशिप वाले फीचर्स लेके आ जाता है, whereas Nothing Phone 2 आपको अगर UI चाहिए, थोड़ा OS क्लीन चाहिए, ग्लिफ इंटरफेस वगैरह चाहिए, दिखने को थोड़ा अलग चाहिए, यू कैन लुक एट दैट। टैली में दोनों के मार्क्स सेम है। तीसरे नंबर के फोन के पास बढ़ते हैं दोस्तों, Vivo V30 Pro। ये कैमरा चैंपियन है, कैमरा के मामले में 10 out of 10, मतलब बाकी सब फोन के साथ आप कंपेयर करोगे इसका कैमरा जबरदस्त है, 50+50+50 पीछे की तरफ, आगे 50 MP का सेल्फी है, एंड फोटोज भी बहुत अच्छे निकालता है। इस टाइम तो गाइस की पार्टनरशिप भी आ गई है, उसकी वजह से तो 10 out of 10 इसे देने ही है। या मल्टीमीडिया में इसे थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि मोनो स्पीकर्स वगैरह, NFC के मामले में भी थोड़ा डाउन है, क्योंकि NFC नहीं है,
बट ऑरा लाइट वगैरह आता है पीछे की तरफ, IP54 है, डिस्प्ले के बारे में बात करूं इसको स्कोर 8 का मिलता है, वन टच ओएस दोस्तों 14 है लेकिन 3 साल के अपडेट से मतलब एंड्रॉइड 15 16 17 मिलता है और उसकी वजह से इसको 9 मार्क्स दिए हुए हैं। डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर है, LPDDR5X रैम टाइप है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, उधर 7 मार्क्स मिलते हैं। बैटरी के मामले 5000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग है, उधर 8 मार्क मिलते हैं। कैमरा में तो मैंने बता दिया 10, सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं Vivo V30 Pro दोस्तों 42 आउट ऑफ 50 मिलता है। इसकी प्राइस भी अगेन 8256 के लिए 41999 है लेकिन 3500 ऑफ है क्रेडिट डेबिट कार्ड्स के ऊपर, तो आपको 40000 के नीचे ही मिलता है। विद 42 ऑन 50 दिस इज डेफिनेटली एट नंबर 3। ऑलराइट, अब टॉप दो जो है दोस्तों, इट इज इंटरेस्टिंग, टॉप दो के मार्क्स सेम है, बॉटम दो के मार्क्स सेम है, बीच में एक अलग है जो Vivo V30 Pro था। जी हाँ, टॉप टू सेम मार्क्स हैं। तो दो नंबर पे आता है दोस्तों OnePlus 12R, सीरियस बैटरी चैंपियन। क्यों? क्योंकि 5500 mAh की बैटरी है एंड 100 वॉट चार्जिंग है, विच इज द बेस्ट इन, अगर आप कंपेयर करते हो पांचों के साथ तो, और इसीलिए इसको 10 मार्क्स मिलते हैं। इवन डिस्प्ले में जबरदस्त है, 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 4500 nits ब्राइटनेस है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन है, तो डिस्प्ले एंड बैटरी के मामले में 10-10 मार्क्स इसे मिलते हैं। ऑक्सीजन ओएस 14 आता है एंड ऑब्वियसली 3 साल के मेजर अपडेट्स मिलने वाले, तो एंड्रॉइड 17 तक मिलेगा, तो 9 मार्क इधर मिलते हैं। 8 Gen 2 प्रोसेसर है, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, इधर 9 मार्क मिलते हैं। कैमरा के मामले में थोड़ा कम है दोस्तों, अच्छा है बट फिर भी नॉट एज कम्पेयर टू Vivo V30 Pro, 50 MP का हुआ है, 8+2 MP का है, तो 7 मार्क मिलते हैं इधर। बाकी वाईफाई 7 सपोर्ट है, सो दैट इज गुड। ब्लूटूथ 5.3 है, IR ब्लास्टर आता है, अलर्ट स्लाइडर है, दीज आर एक्स्ट्राज विच यू गेट एंड IP64 का सर्टिफिकेशन मिलता है। सभी मार्क्स जोड़ते हो, सभी कुछ देखते हो तो 45 आउट ऑफ 50 मिलता है एंड डेफिनेटली डिस्प्ले एंड बैटरी आर दी हाईलाइट। 39999 आपको 8128 के लिए मिलता है, 1000 रुपए ऊपर से ऑफ है, तो स्लाइटली चीपर भी मिलता है, सो यस, दिस इज डेफिनेटली एट नंबर 2। वैसे एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहता हूँ, ये जो है ना, ये नंबर 1 पे भी आ सकता था क्योंकि ये जो फिएस्को हुआ UFS 3.1 एंड UFS 4.0 का, अगर UFS 4.0 होता तो एक मार्क उधर ज्यादा बढ़ता था, दिस वुड हैव बीन इन 46। एंड द नंबर 1 रेनिंग चैंपियन जो है इस लिस्ट में वो है IQOO Neo 9 Pro। ये गेमिंग के लिए जबरदस्त है दोस्तों। या अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, 8 Gen 2 प्रोसेसर आता है, LPDDR5X रैम टाइप है एंड UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, 10 मार्क्स इधर मिलते हैं, तो परफॉर्मेंस में ये जबरदस्त है। डिस्प्ले में इसको 10 नहीं मिलते, 9 मिलते हैं, 6.78 इंच, 1.5K AMOLED 144Hz का डिस्प्ले, 3000 nits का ब्राइटनेस है, तो 9 मिलते हैं इधर। फ्रंट टच ओएस है, 3+4 ईयर्स के अपडेट्स मिलते हैं एंड्रॉइड 17 तक, तो इधर 9 मार्क मिलते हैं। बैटरी के मामले में थोड़ी छोटी बैटरी है इधर, इट डिपेंड्स, क्योंकि 120 वॉट चार्जिंग है, OnePlus 12R में 100 वॉट है, बट इसमें 5160 mAh की बैटरी है, उसमें 5500 की, इसलिए उसे 10 दिए, इसे 9 दिए हुए हैं। कैमरा के मामले में 8 हमने दिए हुए हैं क्योंकि 50 MP का IMX सोनी का OIS सेंसर है, IMX920 एंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, 8 मार्क्स इधर मिले हुए हैं। एंड एक्स्ट्रास के बारे में बात करूं तो IR ब्लास्टर मिलता है, डुअल चिप है गेमिंग के लिए, हां इसमें भी NFC नहीं है। इसका भी जो टोटल स्कोर आता है 45 आउट ऑफ 50, बट सबसे बड़ी बात क्यों नंबर 1 पे है, क्योंकि इसकी प्राइस दोस्तों 3-4 हजार से ये सस्ता है। 34999 में 8128 वेरिएंट मिल रहा है, 36999 में 37 में 8256 मिल रहा है एंड 38999 में 12256 GB वेरिएंट मिल रहा है, ऊपर से 2000 क्रेडिट डेबिट ऑफ है, तो यू नो प्राइस के मामले में भी ये जबरदस्त है एंड दैट्स व्हाई दिस इज डेफिनेटली नंबर 1 और मेरे हिसाब से मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन IQOO Neo 9 Pro with 45 out of 50, that is the number 1। कैसे लगा दोस्तों? ये थोड़ा अलग किया, थोड़ा ऑब्जेक्टिवली किया, हमने थोड़े मार्क्स वगैरह दिए हुए, और भी कुछ हमने ऐड करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए, जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।